दिलाए ईश्वर, शांति दिलाए ईश्वर, मुक्ति दिलाए ईश्वर, शांति दिलाए ईश्वर, ईश्वर दया को भगत सागर, ईश्वर दया को भगत सागर, ईश्वर दा महान, ईश्वर महान, मुक्ति दिलाए ईश्वर, शांति दिलाए ईश्वर, मुक्ति दिलाए ईश्वर, शांति दिलाए ईश्वर, चरणी में तूने जन्म लिया ईशु, चरणी में तूने जन्म लिया ईशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, मुक्ति दिलाए ईशु नाम, शांति दिलाए ईशु नाम, मुक्ति दिलाए ईशु नाम, शांति दिलाए ईशु नाम, हम गुरु भी शुक्र वा कर लो, हम गुरु भी शुक्र वा कर लो, हम है पावी नदा, हम है पावी नदा, मुक्ति दिलाए ईशु नाम, शांति दिलाए ईशु नाम, मुक्ति दिलाए ईशु नाम, शांति दिलाए ईशु नाम, हम सब के पाप मिटाली, हम सब के पाप मिटाली, ईशु हुआ बलिदान, ईशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए ईशु नाम, शांति दिलाए ईशु नाम, मुक्ति दिलाए ईशु नाम, शांति दिलाए ईशु नाम, रोष पर परो खून बहाया, रोष पर परो खून बहाया, सारा चुका यादाम, मुक्ति दिलाए ईशु नाम, शांति दिलाए ईशु नाम, मुक्ति दिलाए ईशु नाम, शांति दिलाए, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम वचन सुनेंगे। पास्टर सैमुएल, आज आपको प्रभु का जो वचन है वचन वचन की आराधना में चला। प्रेज द लॉर्ड। आइए भगाई शुरू करें। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपना अपना स्थान पर हाथ ऊंचा कर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया, 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 धन्यवाद, हालेलुया। भले हम दूर बैठे हैं तो भी परमेश्वर हमारे नजदीक है, आपके घर पे है, इसलिए मेरे घर पे है, इसलिए हम जो भी स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, महिमा करते हैं, परमेश्वर सुनते हैं, हमें स्वीकार भी करते हैं, इसलिए हम खुशी के साथ, आनंद के साथ इस प्रकार का मौका को इस्तेमाल करते हुए हमें उनकी महिमा के लिए हमें समय इस्तेमाल करेंगे, जीवन बिताएंगे, ताकि परमेश्वर भी खुश हो जाएगा, हमको भी आशीष मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को सचमुच सच्चा दिल से धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के लिए प्रभु का प्रिय दास साजन ब्रदर के लिए, प्रभु के दास थी हमें विजी सिस्टर के लिए, और बाकी सारे प्यारों मम्मी जी, प्रभु का आदरणीय दास पास्टर कुरियन शरियान, उनके परिवार बच्चे और बाकी हर एक प्रिय लोग जो इस प्रार्थना संकति में
ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा जोड़ते हैं। मैं आपसे आभार हूँ और आपके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सेवगाई आप लोग कर रहा है। मैं भी इसमें बहुत विश्वास करता हूँ। ऐसा तो सुबह 4:30 बजे से उठकर प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु को स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए प्रार्थना में ही था, और मुझे उस टाइम चेंज का थोड़ा कंफ्यूजन आने के वजह से, फिर भी प्रार्थना में था इसलिए कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। हालेलुया, प्रभु का दास ने मुझे फोन करके सूचना दिलाया, मैं आपसे भी आभार हूँ। हम सबको प्रभु आशीष दे। जैसे मैं प्रार्थना में बैठते समय मुझे एक बात पहली बार अभी याद आया, जैसे कि देखिए हमारे दो हाथ है, दो हाथ, दोनों हाथ में हम कुछ भी उठा के चल सकता है। अभी इस प्रकार का एक सोच पवित्र आत्मा दिया। अभी देखिए दाहिने हाथ में हम परमेश्वर को ले चले, आप उसको गलत नहीं समझना, लेकिन एक विषय, एक दृष्टांत बोल रहा हूँ। और बाएं हाथ में बहुत कुछ रखने के लिए, जैसे हमारा परिवार है, हमारा सेवकाई है, पति हो या पत्नी हो, बच्चे हो, सब हम उस हाथ में रखते हैं। ये दोनों हाथ को हम किस प्रकार आगे ले चलते हैं, वो एक सोचने की बात है। मैं तीन बात मुझे इस प्रकार याद आया। एक है कि कुछ लोग जो बाएं हाथ जो है, लेफ्ट हैंड, उसको एकदम ऊपर उठा के चलते हैं, जो दाहिने हाथ से हाथ है उससे भी ऊपर उठा के चलते हैं। मतलब परमेश्वर का जो उपस्थिति हो, परमेश्वर का काम हो, परमेश्वर का कार्य हो, उससे भी अपना खुद का काम को ऊपर उठा के चलने वाले लोग भी इस दुनिया में है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमसे कोई ऐसा ना रहे। अभी दूसरी बात है कि कुछ लोग दोनों हाथ एकदम मेल मेल में तुलना के साथ ले चलते हैं, मेरा काम और परमेश्वर का काम एक साथ चलना है, जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रकार चलने वाला बिल्कुल परमेश्वर के मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग है, आप बिल्कुल प्रतिफल के लिए योग्य है। लेकिन मैं और एक बात मुझे याद आया कि कुछ लोग ऐसा है कि अपना जो बाएं हाथ है उससे भी अपना दाएं हाथ ऊंचा कर चलते हैं। आपको समझ में आया होगा, प्रेज लॉर्ड। हमारा दाहिने हाथ मतलब परमेश्वर का स्थान हो, मान हो, काम हो, कोई भी कार्य हो, उसको अपना खुद का काम से भी ज्यादा महत्व देकर, मान देकर, स्थान देकर ले चलने वाले लोग भी इस दुनिया में तो जरूर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप इसमें से कौन किस प्रकार है करके मुझे तो पता नहीं। मैं अपना जीवन को जानता हूँ और परखता हूँ। मेरी इच्छा है कि भले मेरे काम नीचे रहेगा तो भी चलेगा, कम रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरा प्रभु का काम ऊंचा रहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार का एक सोच के साथ यदि हम आगे बढ़ेगा तो याद रखिए, आप अपने आप को जहां पर नम्र बनाकर, नीचे रखकर, भले मैं आज खाना नहीं खाएगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर का हाजिरी में बैठना है या उनके लिए सेवा करना है, मेरा काम बंद हो गया तो भी चलेगा, मेरा परमेश्वर का कार्य होना है, प्रार्थना में जोड़ना है, मैं आज सोया नहीं सोएगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर का संगति में जोड़ना है। इस प्रकार जो अच्छे अच्छे बातों को परमेश्वर की महिमा के लिए सोचकर कदम रखने वाले मेरे प्यारों, याद रखना आप कितना ज्यादा अपने आप को नम्र करेगा, नीचे के ओर हालेलुया रखेगा या डालेगा, उतना ज्यादा मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान में, श्रेणी में ले जाने वाला है। हालेलुया, अपने अपने स्थान पर स्तुति करते रहिए, म्यूट खोलने का जरूरत नहीं, और स्तुति के समय पर खोलेगा तो भी वांदा नहीं, लेकिन तुरंत बंद करना है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मैं दाऊद राजा ने इस प्रकार
भजन संहिता 134 में बताता है, हाल मेरा मेरा नीचे के अवस्था में मुझे मुझे याद किया हुआ परमेश्वर को मैं हालेलुया धन्यवाद करता हूँ और उनका नाम हालेलुया पाकमाना हो जाए करके। मेरा कहने का तात्पर्य, वो प्रभु का दास कभी राजा होने के नाते भी अपना जीवन को प्रभु की महिमा के लिए नीचे हमें घुटना टेक कर अपने आप को नम्र बनाकर प्रभु को महिमा करते हुए उनके सेवा के लिए अपना जीवन समर्पण करने के वजह से, देखिए इसराइल में जितने सारे राजा लोग थे उन सब से बढ़कर हमारा परमेश्वर उनका नाम को आज भी ऊंचा रखा है। हम जानते हैं यीशु प्रभु दाऊद का सिंहासन पर बैठकर पूरा विश्व को राज करने के लिए आने वाला है। इस आमुख में इंट्रोडक्शन में मैं परमेश्वर को हमारे हरेक जीवन के द्वारा हालेलुया आमेन जितना हो सकता है उतना आदर मान सम्मान हालेलुया मिलने के समर्पण के साथ आगे बढ़िए। मेरा परमेश्वर आपका जीवन को उचित समय पर उन्नति के ओर लेकर उपयोग करने वाला विश्वास योग्य विश्वासी परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है करके मेरा अनुभव से मैं बोल रहा हूँ। मैं भी अपना काम को सब पीछे नीचे रखकर सेवा शुरू किया था हालेलुया, लेकिन हमारा जो सोच से भी बढ़कर बाहर मेरा परमेश्वर मुझे भी आज तक चलाया। हमने कभी सोचा नहीं पूछा नहीं, लेकिन परमेश्वर अपना विश्वास योग्यता प्रकट करेगा, उनका काम है वो। मेरा अनुभव से मैं बताऊंगा, जो लोग परमेश्वर को आदर करेगा संगति के लिए, संगति के द्वारा हो, प्रार्थना के द्वारा हो, आराधना के द्वारा हो, मध्यस्थी के द्वारा हो, वचन का घोषणा के द्वारा हो, सेवगाई के द्वारा हो, मेरा परमेश्वर आपको जरूर आदर करने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखिए आज, और एक वचन हम इस प्रकार पढ़ेंगे, यशायाह नबी का पुस्तक 64 अध्याय का 11 वचन, हमारा पवित्र यशायाह चैप्टर 64:11, हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे आग से जलाया गया और हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई है। हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस खोर दुर्दशा में रहने देगा? आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा मेरे दिल के अंदर दिया हुआ एक शब्द और उस संदेश उसके द्वारा मैं आपके सामने इस समय पर हमें रखना चाहता हूँ, आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो ये शब्द ये है कि परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का भवन कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर भी उसके बारे में, पहले वो ब्यूटीफुल था लेकिन बाद में उसका अवस्था बदल गया, इसके बारे में बताया है। देखिए भजन संहिता 84 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। आमीन। दूसरा एक शब्द से बताया है तो भी हालेलुया कितना सुंदर है करके हमारा भाषा में लिखा है, इसलिए प्रिय बोलने से हालेलुया सुंदर भी हो सकता है, जहां जो सुंदर है वो प्रिय रहेगा। हालेलुया मेरे प्यारो, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का स्थान, उपस्थिति रहने वाला स्थान बिल्कुल सुंदर है करके मैं इस वचन के द्वारा आपके सामने मैं रखना चाहूंगा और हमें सूचना दिलाना चाहूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, हम जानते हैं लोग यीशु मसीह को अपने चेले लोग खास तौर पर यीशु मसीह को उस जेरूसलेम मंदिर का बाहर की अवस्था को दर्शाया और कहा, देखो प्रभु जी देखो ये कितना सुंदर है, हालेलुया कितना सुंदर है। लेकिन यीशु मसीह खुद उसका उत्तर दिया, बाहर से सुंदर तो होगा लेकिन ये तो पत्थर के ऊपर पत्थर ना रहने का समय
जल्दी ही से जल्दी आने वाला है। हालेलुया। अभी बाहर का पवित्र सुंदर दांत के ऊपर भरोसा या ध्यान देने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। आज के जमाने में लोग बाहर सुंदर बनाने के लिए इतना प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, ताकि दूसरे लोगों को इम्प्रेशन वाले प्रभाव डालने लायक काम करते रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरा यीशु मसीह देखते हैं अंदर की बात, अंदरूनी मनुष्य को, अंदर की अवस्था को देखते हैं। मैं और आप जानते हैं लोग अपना घर को इतना सुंदर बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, कुछ लोग अपना शरीर को सुंदर बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। हालेलुया। बाहर से देखेगा तो पाउडर लगाकर और कुछ भी लगाकर इतना सुंदर दिखावटी के लिए दिखाना चाहते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर के सामने ये सब निष्फल की है। हालेलुया, कोई काम का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक व्यक्ति को जब देखते समय, इसका अर्थ बाहर हम कैसे भी जीना रहना ऐसा नहीं, हम तो उचित रीति से मान्यता के अनुसार कपड़ा भी पहनना है, चलना है, फिरना है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा परमेश्वर को वो प्रसन्न करने के लिए कोई काम कारण नहीं है। वो तो दुनिया के लोगों के लिए है, लेकिन उसके साथ तो साथ जिसके दिल तो साफ है, जिसका दिल अच्छा है, उसको शुद्ध रखता है, उसको हमें सफाई के साथ रखता है, उन लोगों के ऊपर प्रभावित होने वाला, प्रभाव करने वाला हमारा परमेश्वर आज भी इस समय, हालेलुया, हमारे ऊपर नजर रखकर हमको देखते हैं मेरे प्यारो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आमेन, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि हमारा परमेश्वर का, हालेलुया, उपस्थिति में रहने वाले हम सब लोग, हालेलुया, इस शरीर रूपी मंदिर को संभाल कर चलने से परमेश्वर का उपस्थिति भी वहां पर दिया जाएगा और परमेश्वर आनंदित हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुराना नियम का मंदिर का अंदर तो बिल्कुल पवित्र था, हम जानते थे। हालेलुया, हम जानते हैं, अभी भी हम जानते हैं। हालेलुया, क्योंकि जो भजन संहिता 84 में वचन पढ़ा है उस हम जानते हैं, अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान कितना सुंदर था करके। हालेलुया, क्योंकि भले लकड़ी का पाटिया से उसका दीवार बनाया हो था, तो भी उसके ऊपर सोना हमें लपेट कर, सोने का कवर बनाकर, हालेलुया, उसको संभालते थे। और ये हम जानते हैं, मनुष्य के संबंध में बताते समय हम सब मिट्टी का है, लेकिन यीशु प्रभु जो स्वर्ग का है, उनका, हालेलुया, पवित्र लहू के द्वारा, उनका उपस्थिति के द्वारा हमारा इस मिट्टी का बर्तन भी बदल जाता है और हम, हालेलुया, सुंदर हो जाता है। पुराना नियम में इतना भी नहीं, देखिए वहां पर जलाने वाला बत्ती जो है, दीवट जो है, उसमें से निकलने वाली प्रभा, हालेलुया, महिमा उस दीवाल पर गिरने के कारण उसका, हालेलुया, दीवाल का भी हमें शोभा बढ़ जाती है। इसलिए यहां पर हमने पहले पढ़ा शोभायमान, हालेलुया, हालेलुया, यशायाह नबी 64 अध्याय का 11 में हमने दो शब्द, हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, हालेलुया, बस इतना ही अभी पढ़ना, वो तो आज से चल गया, क्योंकि यीशु मसीह ने, हालेलुया, बताया था, तुम जो बाहर से सुंदर बोलता है लेकिन उसके अंदर अपवित्रता आने के कारण, हालेलुया, ये तो रहने का नहीं है। क्योंकि हम मत्ती रज समाचार से पढ़ते हैं, लोग, हालेलुया, मंदिर के अंदर भी हमें आमीन धंधा शुरू किया। वो धंधा का कारण हम जानते हैं, जानवरों को बलि चढ़ाने के लिए दूर दूर से आने वाले लोगों को बेचने के लिए, हालेलुया, कम भाव में लेकर ज्यादा भाव में बेचकर कमाने वाले आमीन याजक लोग या उनके सगा संबंधी वहां पर धंधा शुरू किया। ये सब देखकर यीशु मसीह थोड़ा नाराज हो गया, दुखी हो गया, उसने, हालेलुया,
घोड़ा बनाकर इन सारे हमें पशु पक्षियों को बिल्कुल निकाल दिया, हटा दिया, और जो हमें क्रय विक्रय करने वाले, लेन देन करने वाले लोगों को भी वहां से निकाल दिया। और इस प्रकार कहा, मेरा परमेश्वर का भवन, मेरा भवन प्रार्थना भवन कहलाएगा करके लिखा है, लेकिन तुम लोग उसको डाकुओं का डन बना दिया, हल गुफा बना दिया करके यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया मेरे प्यारो, ये तो पुराना नियम की बात है, लेकिन आज हम अपना दिल को कितना भी पवित्र बनाएगा तो उतना अच्छा रहेगा। मेरा दिल और मेरा घर हालेलुया प्रार्थनालय कहलाएगा, ये तो मेरा प्रभु की इच्छा है। ऐसा नहीं है जो समय नियुक्त किया आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, इतना प्रार्थना कर कर बाकी समय हमें दुनिया का गीत सुने और टीवी देखकर उसमें मजा करें। ये सारी बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है प्यारो। हमारा घर दूसरे लोग आकर देखते हुए भी उनको पता चलना चाहिए कि ये तो परमेश्वर का प्रार्थना भवन है। हालेलुया। मैं कल परसों एक घर पे बैठते समय एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैंने भी परमेश्वर के समूह में इस प्रकार याद दिलाया, परमेश्वर ये तो आपका घर है, क्योंकि उनका बेटी परिवार अच्छा विश्वास परिवार है और उस मम्मी दूर से आई थी। हालेलुया। और मैंने बोला परमेश्वर यहाँ पर शैतान ऐसा और अपना काम शुरू किया और वो चिल्लाना शुरू किया। मैंने बोला परमेश्वर ये तेरा भवन है, हालेलुया, तेरे लोग और तेरे बच्चे लोग रहकर आपको महिमा करने वाला जगह, यहाँ पर शैतान को कोई लेन देन नहीं, इसलिए उसको पूरा पूरा चंगाई देखकर उसको छुड़ाना है। शैतान को हमने भगा दिया। हालेलुया। मेरा कहने का तात्पर्य, मेरा और आपका घर परमेश्वर का भवन बनकर आगे बढ़ेगा तो हालेलुया, याद रखिए भले वो झोपड़ी होगा लेकिन सुंदर रहेगा। हालेलुया। और ये भी है कि मगल भी हमें आजकल हमें जंगल जैसे बन सकता है, क्योंकि अधर्म और अन्याय करते हुए जीने वाले लोगों का भवन के अंदर, मकान के अंदर अशांति, असंतुष्टि, अपवित्रदाय होने के वो शोभायमान नहीं है, वो अंधकार के जैसे हालेलुया आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, हालेलुया, आपका मकान बड़ा हो या छोटा हो उसमें परमेश्वर को कोई परवाह नहीं, वो कुछ भी हो आप रहो वांदा नहीं, लेकिन उसको सुंदर बनाने के लिए दुनिया का कोई वस्तु से नहीं चलेगा, वरन मेरा और आपका जीवन जितना सुंदर रहेगा उतना वो जरूर हमेशा के लिए सुंदर रहेगा। हालेलुया। आज भी मैं याद करता हूँ जैसे परमेश्वर की महिमा के लिए हम मंडली बनाते हैं, चर्च बिल्डिंग बनाते हैं, और उसको भी हम पेन कर हालेलुया सुंदर बना देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा इस प्रकार हमको याद दिलाता है कि कोई होल सुंदर रहने से परमेश्वर इतना प्रभावित नहीं होता। परमेश्वर सुंदरता इसी में देखते हैं कि उसके अंदर बैठने वाले विश्वासी लोग और प्रभु के दास लोग कितना हालेलुया पवित्र है, शोभायमान है, वो है परमेश्वर का ध्यान। हालेलुया, हालेलुया, तो बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे संगति में भी इस प्रकार का ध्यान रखना है, लोग पवित्र वचन के अनुसार रोज बढ़ने के लिए उनको तैयार कर आगे बढ़ाना एक प्रभु का दास होने के नाते हमारा जब सबसे बड़ा जिम्मेवारी बनता है, प्रभु के प्रति उनका प्यार को बढ़ाना है, पवित्र जीवन में आगे बढ़ाना है, संगति में, प्रार्थना जीवन में, आराधना में आगे बढ़ाना है, तभी वे लोग परमेश्वर के नजर में सुंदर रहेगा। मैंने भी ये चाहता हूँ, सोचता हूँ, मानता हूँ, जानता हूँ कि इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए, सेवा के लिए परमेश्वर हमें बुलाकर आले कर अपना अपना स्थान पर, भले गांव में हो या शहर में हो, वहां पर नियुक्त कर रखा है ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर का वास स्थान शोभायमान हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, शोभायमान हो जाए। मुझे आज एक और बात याद आए, जैसे लोग भवन को सुंदर बनाने के लिए, मतलब प्रार्थना भवन को भी तैयार करते हैं। हम जानते हैं गाड़ी, कार हो, कोई भी गाड़ी पुराना हो जाता है, स्कूटर हो, हम उसको नया बनाने के लिए कोशिश करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन नया बनाते समय दो काम वे लोग करते हैं जो मैकेनिक्स लोग, हल एक है डेंटिंग, दूसरा है पेंटिंग। ये डेंटिंग का अर्थ क्या होता है हमको पता है, जो कुछ कारण से हमें कहीं भी
लग गया, दब गया और बैठ गया वहां पर, उसको सीधा करने के लिए, हालेलुया, ऊपर उठाने के लिए, जो ऊपर है उसको नीचे करना है, लेवल में लाना है, आड़ा तेड़ा सारे बातों को, रास्ता को, वस्तु को मैं सीधा कर उसके ऊपर पेंटिंग करता है तो नया जैसे दिखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार एक एक विश्वासी का जीवन में, उनका जीवन में जो अनुचित बात है हाल उसको त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, मन फिराने के लिए जब लोग तैयार होते हैं तब हाल उसका सुंदरता बढ़ने का कारण हो जाता है। इस कारण से लूक 15 का 7 में यीशु प्रभु ने बोला, उस अध्याय में 3 बार बोला, जिसको मन फिराव का जरूरत नहीं है ऐसे 99% लोगों से मन फिराने वाला एक व्यक्ति के प्रति परमेश्वर के स्वर्ग में परमेश्वर आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमने भी कई बार सोचा था कि मन फिराव तो एक ही बार होती है हमें जब प्रभु के पास आते समय, मेरा विश्वास जीवन का शुरुआत में, लेकिन फिर जैसे वचन पढ़ना शुरू किया हम सबको एक एक दिन एक एक क्षण मन फिराव का जरूरत है। जब आप मन फिराव हमें के लिए समर्पण करते हैं और पवित्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध होने के लिए आप प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, डेंडिंग और पेंडिंग होता है, आप सुंदर दिखता है, नया दिखता है। हमारा प्रभु आएगा शोभायमान कलीसिया को दुल्हन को ले जाने के लिए, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो हम याद रखना, हमारा परमेश्वर का भवन हो, हालेलुया, और हम रहने जहां पर रहते वहां पर भी अच्छा रखना है, बहुत साफ सफाई, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने बताया भी होगा करके मुझे लगता है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, हालेलुया। परमेश्वर के नस्तिक रहने वाले लोग हमें अपना घर को भी साफ सफाई में रखे, भले छोटा हो या बड़ा हो, वो तो आप सब लोग करते, इसलिए धन्यवाद। मेरा कहने का तात्पर्य, हालेलुया, हमारा परमेश्वर सुंदरता में वास करने वाला है। हम जानते हैं सियोन के बारे में बताते हैं, सियोन कितना सुंदर है करके हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, हालेलुया, सियोन कितना सुंदर है, हालेलुया। वहां पर हम जाने से पहले, सियोन में जाने से पहले एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वो है हालेलुया रोमी 10:15, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे, जैसा लिखा है उनके पाव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया, आज के जमाने में लोगों को सबसे अच्छा लगता है कि बुरी बातें सुनाना, लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों आप और मैं धन्य है, क्योंकि हमारे हाथ में इस प्रकार का एक सुसमाचार सौंपा है। हालेलुया, वो क्या है, दूसरों को सुनाने के लिए हमें सारे मानव जातियों के लिए हाल जीवन देकर खरीदा हुआ श्रेष्ठ उद्धार का, छुटकारा का सुसमाचार, शुभ संदेश। हालेलुया, तो जीवन में ये बताने के लिए मुझे और आपको मौका मिलेगा तो वो सबसे एक महत्वपूर्ण अवसर है, अनुभव है, भले एक व्यक्ति के साथ हो या झुंड में हो, छोटा झुंड हो या बड़ा झुंड हो, यीशु का सुसमाचार बांटने वालों के बारे में यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि उसका पाव सुखावने है। हालेलुया, आमेन, उनके पाव सुखावने है। हम जानते हैं पाव तो धरती में रखकर हम चलते हैं, पैर धरती में रखकर चलते हैं, बाकी पूरा शरीर हमें ऊपर है। हालेलुया, दुनिया देखेगा तो चेहरा में देखेगा, लेकिन यीशु मसीह देखेगा तो पैर में देखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे हालेलुया, मुझे आनंद आया और एक बार ये बात याद दिलाने के लिए, आपका चेहरा कितना सुंदर है वो बड़ी बात नहीं, कितना भी सुंदर हो या ना हो वांदा नहीं, लेकिन दुनिया से चलते हुए आगे बढ़ने वाले इस पैर को परमेश्वर देखकर, जो लोग पवित्र वचन बांटने के लिए, यीशु प्रभु का सुसमाचार बांटने के लिए, आप तो मिट्टी में से चलकर भी हो, मिट्टी से भरा हुआ रास्ता में हो, बिना चप्पल से हो, हालेलुया, चलते फिरते सुसमाचार बांटने वालों का पैर ऊपर से प्रभु परमेश्वर देखते समय, हालेलुया, रीबा शरद रदी खबर अंधुरा,
हालेलुया। वो बहुत हमें शोभायमान दिखता है, सुखावने दिखते है करके हम पड़ा है। इसलिए मेरे प्यारो, भले आप विश्वासी हो या सेवक हो, हमें एक एक दिन जब हमको एक मौका मिलता है एक व्यक्ति के साथ सुसमाचार बांटने के लिए, एक घर में जाकर प्रार्थना करने के लिए, एक नया क्षेत्र में जाने के लिए, हालेलुया, याद रखिए प्रभु यीशु मसीह इन पैरों के ऊपर ध्यान रखते हैं। मेरा प्रभु को ऐसे ऐसा पैर पावे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया, वो सुखावना है करके उन्होंने बताया, कोई इंसान नहीं बताया, लेकिन मेरा प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा बताया। और इसलिए याद रखिए, हालेलुया, प्रभु की महिमा के लिए जो अपना कदम को रखते हैं, कदम बढ़ाते हैं, कष्ट उठाते हैं, हाले सहन करते हैं, ये सारी बातों को याद कर देख कर उसको मान सम्मान देने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है, ये जानने वाले लोग अपना हाथ ऊंचा कर परमेश्वर को धन्यवाद करे। हालेलुया, रीवा शरदर दिखदर विगला राबारा सगदम धीरी विखशुरादर, हालेलुया, क्योंकि प्रभु चाहता है हमारे एक व्यक्ति इस प्रकार हमें अपना साक्षी ठहरे, प्रभु का साक्षी ठहरे। दूसरे लोग जो अंधकार में है, शैतान के बंधन में है, और हालेलुया पाप के गंदगी में है, उनको बचाने के लिए मेरा यीशु मसीह कितना सुंदर था, हम उसके बारे में हालेलुया उत्तम गीत गीतों के गीत में गाते हैं, पढ़ते हैं कि वो 10,000 में से उत्तम है। हालेलुया, इतना सुंदर था मेरा यीशु प्रभु। लेकिन हम जो विरूप लोगों के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया और अपना जीवन को हालेलुया इस प्रकार का एक हालेलुया ऐसा बनाया कि देखने के लिए भी लोग नहीं चाहते थे। ओह, इतना खराब परिस्थिति उनके चेहरे पे आ गया कि लहू भरा हुआ चेहरा शरीर, हालेलुया, ओ तप्पट मारने के वजह से, मुट्ठी से मारने के वजह से, अल्ले कांटों का मुकुट सर पर रखकर मारने के वजह से, उनका हल साड़ी खींच कर निकालने के वजह से मेरे यीशु प्रभु का रूप विरूप बन गया। हालेलुया, उरी वशरदर रिखवरवा, हालेलुया, इतना स्वरूप हमें चेहरा विरूप बन गया, इतना स्वरूप शरीर हालेलुया विरूप बन गया। क्यों ऐसा बना? बस कारण यही था कि यही है कि मैं और आप जो विरूप था, हमें स्वरूप में लाने के लिए, स्वरूप बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हमारा प्रभु ने कष्ट उठाया। इसका कारण भी हम जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया, सियोन जो हमारे लिए तैयार हो रहा है, नया हालेलुया जो परमेश्वर का भवन वास स्थान सियोन, वहां पर नया जरूसलेम बनाने वाला आने वाला है, बनाते रहते हैं तैयारी, उसका पूरा होने वाला है। जब पूरा हो जाएगा वो स्वर्ग से उतारने के लिए अपने संतों को, दुल्हन को यीशु प्रभु ले जाएगा। वो इतना सुंदर एक भवन है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो हमें भी वहां पर रहने के लिए यीशु प्रभु हमें बादलों पर आने वाला है ले जाने के लिए। इसलिए मेरे प्यारों, मेरा समय समाप्त हो गया, हालेलुया। परमेश्वर का भवन भले इस दुनिया में हो या स्वर्ग में हो, वो शोभायमान है, हालेलुया, वो पवित्र है। जो लोग वहां पर रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, हमें भी हालेलुया इस प्रकार पवित्र और शोभायमान, दो शब्द याद रखिए, पवित्र और शोभायमान, ये दोनों मिलजुल कर रहते हैं। हमें इस हमारा शरीर भी परमेश्वर की मंदिर है, जिसमें हालेलुया आराधना होती है, स्तुति गीत होती है, जैसे प्रार्थना का दुआ उठती है। अभी आप इस प्रकार का मंदिर बनने के कारण, सुंदर होने के कारण, आपके अंदर से भी परमेश्वर की आराधना हमें और उसका सुगंध फैलाने के लिए कारण हो गया है। हमारा यही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है कि हमारा जीवन परमेश्वर प्रसन्न होने लायक, प्रभावित होने लायक, हालेलुया, इम्प्रेस होने लायक, पसंद होने लायक एक जीवन और एक सेवा, हालेलुया, सेवा दिल से करते हुए
और सच्चा जीवन बिताते हुए, पवित्र जीवन बिताते हुए, जो परमेश्वर हमें चुन लिया है, उनका वास स्थान बनाया है, मंदिर बनाया है, उस मंदिर को संभाल कर और इस प्रकार का अनेक मंदिरों को तैयार कर कर हम आगे जीवन बिताए, ताकि हमारा परमेश्वर आपको भी हालेलुया आशीष के साथ संभाल कर, इस मंदिर को संभाल कर ले जाने वाला परमेश्वर है, आपका व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में परमेश्वर का उपस्थिति बने रहे और आपका संकति में परमेश्वर का उपस्थिति बने रहे, इस प्रकार का एक अनुभव के साथ और उसके द्वारा मिलने वाले हरेक आशीषों के साथ मेरा परमेश्वर आपको, आप सबों को आशीष करे। जो भी आपका समस्या है, संघर्ष है, जरूरत है, आज मेरा परमेश्वर उसका निवारण दे और उसका समस्या का हाल करे और आपको संभाले, शांति पूर्वक आपको ले जाए। इन आशीषों के साथ, आशीर्वाद के साथ मेरा शब्द मैं समाप्त करता हूँ। पवित्र आत्मा और आपको, आपसे बातें करते रहे, अवसर दिया हुआ, दिलाया हुआ प्रभु का प्रिय दास और दासी को, सुना हुआ भजन सुना हुआ हरेक प्यारों को, खास तौर पर मैंने भूल गया था बोलने के लिए, आज का संगति चलाने वाला प्रभु का आदरणीय दास को और उनका परिवार को, सबको आशीष और अनुग्रह दे। मेरा शब्द मैं समाप्त करता हूँ, आमेन, ग्लोरी टू।